हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। पाचन तंत्र की विकृति को ही अमल पित्त कहते हैं, यानी कि अगर हमारा पाचन बिगड़ जाए तो ही हमारे शरीर में एसिड बनता है। दोस्तों, हमारे शरीर की सारी गतिविधियां हमारे पाचन से जुड़ी होती हैं, इसीलिए पाचन में आई गड़बड़ी का असर हमारी स्किन पर, बालों पर, आंखों पर, दिमाग पर और शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है। पाचन क्रिया के लिए दो अंग मुख्य रूप से काम करते हैं और खाए गए भोजन में से पाचक रस हमारे शरीर को एनर्जी के तौर पर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, भोजन देर से पचता है, खाई गई चीज़ें हैं जो आपके शरीर को नहीं लगती, आपको भूख बहुत कम लगती है या बहुत ज़्यादा लगती है, आपको बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, तेजाब बनता है और इसके साथ साथ आपको किसी ना किसी प्रोटीन या विटामिन की डेफिशिएंसी भी हो चुकी है, तो ये संकेत बताते हैं कि आपके शरीर में पाचक रस कम बन रहा है, जिसके कारण आपके अंदर एसिड बन रहा है, तेजाब बन रहा है, कमजोरी और थकान रहती है। दोस्तों, वो अंग है स्प्लीन यानी तिल्ली और दूसरा है स्टमक यानी कि हमारा पेट। ये दोनों ऑर्गन्स हस्बैंड वाइफ के तौर पर काम करते हैं। जहाँ खाने को पचाने का काम स्टमक यानी पेट करता है, वही भोजन से ब्लड और पाचक रस बनाने का काम हमारी तिल्ली यानी कि स्प्लीन करती है। जब ये दोनों ऑर्गन अपना काम सही से नहीं कर पाते, पाचक रस अच्छे से नहीं निकल पाता, हमारे शरीर को नहीं मिल पाता, तो शरीर में एसिड बनने लगता है, तेजाब बनने लगता है या फिर कब्ज की समस्या हो जाती है, गैस एसिडिटी की समस्या हो जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप अपनी एसिडिटी को खत्म करना चाहते हैं, आप अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, आप गैस अपच की समस्या को बिल्कुल दूर करना चाहते हैं, तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, इस इलाज को मैं दो भागों में बांट रही हूँ, यानी दो भागों के द्वारा इसका इलाज किया जाएगा। पहले में आपको बताया जाएगा ऐसा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से इसका इलाज कर सकते हैं, और दूसरा होगा एक्यूप्रेशर पॉइंट, क्योंकि हमारी एक्यूप्रेशर पद्धति में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके अपनी किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। दोस्तों, इलाज में सबसे पहली चीज है जीरा। जीरा पित्त यानी एसिड के जितने भी रोग होते हैं उनको दूर करने का काम करता है। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, जलन रहती है, खट्टे डकार आते हैं, आपको खाया पिया पचता नहीं है, उल्टी जैसा महसूस होता है, तो आपने खाली पेट जीरे वाला पानी पीना है। इसे बनाना कैसे है? आप एक चम्मच जीरा लीजिए, उसे एक गिलास पानी में उबाल लीजिए, पानी जब आधा रह जाए तो उसे पी लीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से पित्त के जितने भी रोग हैं, एसिड के जितने भी रोग हैं, वो दूर हो जाते हैं और एसिडिटी की समस्या भी दूर हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रही हूँ कि अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और एसिडिटी भी साथ में रहती है, तो आपने क्या करना है, दोपहर के खाने के बाद, दोपहर का जब आप खाना खा चुके हों, उसके बाद आपने दो चुटकी सिर्फ अजवाइन लेनी है और इसके अंदर आधी चुटकी काला नमक मिक्स करके लेना है। गैस की जितनी भी समस्याएं हैं, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, अफारा रहता है, जिसके कारण आप थोड़ा सा खाना खाते हैं, उसके बाद आपको ऐसे लगने लगता है कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा अफारा आ चुका है, अब उसके कारण इतने परेशान होते हैं, जब तक गैस पूरी तरह से शरीर से बाहर नहीं हो पाती, आपको रेस्ट आराम नहीं मिल पाता और ये गैस कभी कभी आपके सिर में चढ़कर सिर के दर्द का कारण भी बनती है। तो दोस्तों, आपने खाना खाने के बाद सिर्फ दो चुटकी अजवाइन लेनी है और इसके अंदर आधा चुटकी नमक डालकर लेना है। बहुत आसान तरीका है। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, आपको इसके साथ कब्ज की समस्या हो चुकी है, गैस की समस्या हो चुकी है, यानी कि ये समस्या आपके अंदर बहुत पुरानी है और किसी भी दवाई का असर आपके ऊपर नहीं होता, तो आपने क्या करना है, फिर आपने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तरीका लेना है। दोस्तों, आपने सिर्फ एक काम करिएगा, आपने 4 चम्मच एलोवेरा जूस लेना है, खाना खाने के 15 मिनट पहले आधे गिलास पानी में मिक्स करके ले लेना है एलोवेरा जूस को, और ऐसा ही जूस बनाकर यानी कि 4 चम्मच एलोवेरा जूस आधा गिलास पानी को खाना खाने के आधे घंटे बाद में भी ले लेना है। ऐसा आपने सुबह भी करना है यानी लंच से पहले और बाद में भी, और ब्रेकफास्ट से पहले और बाद में भी। ऐसा करने से जितनी भी एपच की समस्या है, जितनी भी एसिड बनने की समस्या है, गैस की समस्या है, वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी।
दोस्तों एलोवेरा जूस न केवल हमारे शरीर में से पित्त यानी एसिड को बाहर करता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है, इसके अलावा हमारी हड्डियों, जोड़ों और घुटनों के लिए काफी फायदेमंद है। ये हड्डियों को मजबूती देता है, घुटनों में जो लुब्रिकेंट कम हो चुका है उसे दोबारा बनाने का काम करता है, डायबिटीज को क्योर करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, पाचन तंत्र को बढ़ाता है। दोस्तों आप इन तीनों में से किसी भी इलाज का सेवन कर सकते हैं अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा एसिडिटी और गैस की समस्या रहती है। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन से ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको प्रेस करके आप इन समस्या को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। दोस्तों हम जो भी खाना खाते हैं वो अच्छे से पच सके उसके लिए जरूरी है हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत सही से काम करे और हमारा स्टमक भी सही से काम करे। तो इसके लिए मैं आपको तीन एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रही हूँ जो कि आपने खाना खाने से पहले प्रेस करने हैं, जिन्हें प्रेस करने के बाद आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत अपना कार्य बहुत अच्छे से करेगी और आपके स्टमक यानी पेट की भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। और ये पॉइंट्स आपको पिक्चर पर दिखाए जा रहे हैं रेड डॉट के द्वारा। ये वो तीनों पॉइंट है। पहला जो पेट का पॉइंट है वो हमारी हथेली के बिल्कुल सेंटर में होता है, ये हमारा स्टमक पॉइंट होता है, इसे आप जरूर प्रेस कीजिए। उसके अलावा ये नीचे के दो जो पॉइंट हैं ये छोटी आंत के और बड़ी आंत के हैं जिनके द्वारा हम अपनी छोटी आंत और बड़ी आंत की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं और जो भी हम खाना खाएंगे उसमें से पाचक रस बहुत आसानी से निकलेगा और हमारी बॉडी को मिलेगा, एसिड यानी तेजाब के तौर पर हमारी बॉडी में जमा नहीं होगा। तो ये तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपने जरूर प्रेस करने हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आप अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, एसिड को शरीर में से दूर करना चाहते हैं, गैस और एसिडिटी की समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इन इलाज को जरूर अपनाइए। दोस्तों इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको फायदे ही मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।